देखो अगला कॉन्सेप्ट है जर्नल एंट्री में ओपनिंग एंट्री। सबसे पहले तो ओपनिंग एंट्री होता क्या है, जब हम साल के स्टार्टिंग में, जैसे कि मान लो मैं एक डेट यहाँ पे मेंशन करता हूँ, मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ 1/4 को 2018 को, तो मेरे बिजनेस का ईयर पता है कब एंड करते हैं, 31/3/2019। इस तरीके से बिजनेस का मेरा पूरा 1 साल माना जाता है। इसको हम अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं, इसको हम फाइनेंशियल ईयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगला साल क्या आएगा, 31, अगला साल आएगा 1 अप्रैल 2019, और एंड कब होगा ये, 31/3/2020, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हमारा ये आता है। अब इस साल पे जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो साल के एंड में क्या सब कुछ खत्म हो जाता है मेरा? रहता है, बिल्डिंग भी रहता ही है मेरा, फर्नीचर भी रहता ही है, सारे एसेट्स रहते हैं। तो इस डेट पे सारे के सारे एसेट और लाइबिलिटी जो इस डेट पे होगा उसको बोलते हैं क्लोजिंग, ठीक है। अब जो पिछले साल मेरा ये बेंच था जिस पे आप बैठे हो, ये डेस्क था हमारा जो पिछ बैठे हो पिछ, क्या इस साल भी है या नहीं है? है, यूज तो हो ही रहा है। क्या मैंने इस साल खरीदा है? तो जो चीजें हमारा पिछले साल में होता है उस चीज को हमें इस साल में भी शो करना पड़ता है, क्योंकि मैं इस साल जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो इस साल बैलेंस शीट बनाते टाइम पे क्या मैं इसमें फर्नीचर नहीं दिखाऊंगा? दिखाऊंगा, क्योंकि फर्नीचर है अभी भी, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी, कम, जो कि लास्ट क्लास में देखा था डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो हमें करना क्या होता है, जितने भी एसेट्स और जितने भी लाइबिलिटी पिछले साल के जो क्लोजिंग डेट पे था, हम साल इस दिन से स्टार्ट कर रहे हैं उसे इस दिन पे दिखाओ, तो ये डेट जो है उसको बोलते हैं ओपनिंग डेट, ओपनिंग डेट है ये। और सारे उस एसेट्स और उस लाइबिलिटी को इस डेट पे शो करने के लिए एक जर्नल एंट्री करना पड़ता है जिसको बोलते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री, ठीक है ना। अब ओपनिंग जर्नल एंट्री करने का, ओपनिंग का मतलब क्या है, साल के फर्स्ट डे, जब भी क्वेश्चन देखोगे वहां पे 1 अप्रैल होगा या 1 जनवरी होगा। क्लोजिंग कब होता है, 31 मार्च या 31 दिसंबर, ठीक है ना, क्लियर है। अब ओपनिंग एंट्री करेंगे कैसे, मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा बिल्डिंग ₹10,000, मैंने लिखा फर्नीचर ₹60,000, मैंने लिखा कैश ₹5,000, मैंने लिखा क्रेडिटर ₹4,000, मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ₹6,000, मैंने लिखा आउटपुट CGST ₹6,000 और आउटपुट SGST ये भी 6,000 होगा, दोनों बराबर रहता है हमारा। फिर मैंने लिखा यहाँ पे, इसके आगे मैंने लिखा इनपुट IGST 12,000, कुछ मैंने इस तरीके से ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है। अब आपको सिंपल बोल दिया जाएगा कि आप इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाओ सीधा डायरेक्ट। तो जर्नल एंट्री में ना तो खरीदा है ना ही बेचा है, और ये सिर्फ दो ही चीज है, एसेट्स और लाइबिलिटी, और इनकम एक्सपेंस का ओपनिंग एंट्री नहीं करते, हमेशा किसका करते हैं, एसेट्स या लाइबिलिटी का, ठीक है। अब इसको देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, फॉर्मेट वही रहेगा। इसमें करने का क्या तरीका होगा हमारा, जितने भी एसेट्स है उनको हम डेबिट कर देंगे और जितने भी लाइबिलिटी है उनको क्रेडिट कर देंगे, बस इसके अंदर और कुछ नहीं करना होता ओपनिंग एंट्री में। तो सारे एसेट्स डेबिट कर रहा हूं मैं, बिल्डिंग
फर्नीचर, कैश, क्रेडिटर, क्रेडिटर तो लाइबिलिटी है, डेबिट नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग भी लाइबिलिटी है, डेबिट नहीं होगा। आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी होता है, एसेट्स होता है लाइबिलिटी, ये भी नहीं होगा। ये इनपुट, चलो। और टू, अब क्रेडिट वाले को लिख देते हैं, क्रेडिटर। और टू आउटपुट पहले लिख देता हूं, सी जी एस टी कुछ भी लिख दो वो तो। और टू आउटपुट एस जी एस टी, इसके बाद टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यही है। चलो डेबिट में अमाउंट फिल करते हैं। अगर मैं डेबिट में अमाउंट फिल करूं तो 10,000, 60,000, 5,000, 4,000, अच्छा फिर 12,000 आएगा। अब क्रेडिट में 6,000, क्रेडिटर कितने का, 4,000, 6,000, और ये भी। जब हम ऐसा करेंगे तो यहां पे दो केसेस, दो हमारे पास सिचुएशन क्रिएट होगा। दो सिचुएशन क्या होगा, या तो डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा तब तो कुछ नहीं करना, या तो डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होगा। मैच होगा नहीं होगा का मतलब, डेबिट वाले को टोटल करो 70 और 80, 87,000 डेबिट में कितना आ रहा है, और क्रेडिट में देखो तो 18 और 4 22,000, यानी क्रेडिट में कम है। तो जहां कम होता है ना वहां पे एक हमें लिखना पड़ेगा, और ये हमें अपनी मर्जी से लिखना पड़ेगा, और उसे लिखेंगे हम कैपिटल। उसे क्या लिखेंगे, कैपिटल। हमेशा क्रेडिट में ही कम आएगा, लेकिन कई बार डेबिट में भी आ जाता है, तो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है तो हम गुडविल लिख देते हैं वैसे। तो क्रेडिट में लिखेंगे कैपिटल, लेकिन कितना लिखे कैपिटल, जितना फर्क आ रहा है 5 और 6, तो 65,000। ये लो ओपनिंग जर्नल एंट्री कर दिया हमने। तो ओपनिंग जर्नल एंट्री तो फिर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी कम आता है तो गुडविल के नाम से मैच करते हैं, ठीक है। वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है। बीइंग क्या लिखेंगे, ओपनिंग एंट्री ट्रांसफर, बीइंग लिखेंगे। हाँ हाँ जी, हमने ना तो कोई एसेट्स खरीदा है ना ही कोई एसेट्स बेचा है, सिर्फ हमने पिछले साल के बैलेंस को इस साल बैलेंस शीट में दिखाया है, तो इस एंट्री को बोलते हैं हम ओपनिंग एंट्री। हाँ बताओ, ये क्रेडिटर। हाँ जी, ओपनिंग मतलब पिछले साल हमने पैसे नहीं दिए होंगे, अब देने पड़ेंगे। और ये डेट पता है कौन सा होगा, जब भी होगा, नहीं घटा कहां रहे, कौन से पैसे की बात कर रहे हो। मैंने घटाने का मतलब है कि मेरे पास टोटल एसेट्स 87,000 है और लाइबिलिटी 22,000 ही दिख रहा है, तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए, तो बराबर तो हो ही नहीं रहा, तो क्रेडिट में कम पड़ रहा है, तो हम अपनी इच्छा से कैपिटल लिख करके और उसको जितना कम पड़ रहा है मैच कर देंगे। क्योंकि बिजनेस में देखो, चलो मैं कैपिटल नहीं लिखता, क्या मेरे बिजनेस क्या बिना कैपिटल के चल सकता है, बिना जर्नल एंट्री कर दी पूरे शुरू की बिजनेस की, कैपिटल है ही नहीं तो। पैसा नहीं है ये टोटल डेबिट था और ये टोटल क्रेडिट था, पैसा नहीं है। तो डेबिट इतना से था, क्रेडिट, क्रेडिट भी हमें कितना करना पड़ेगा, 87 ही करना पड़ेगा मुझे क्रेडिट, किसी भी हाल में हो नहीं पाया।